आपका नाम लेकर बिलासपुर में कुछ ऐसे गुंडे हैं जो अपना साख जमा रहे हैं और आपका संरक्षण प्राप्त है क्योंकि उनका फोटो जगह जगह उनके नाम के साथ चेहरे के साथ लगा रहता था। क्या आपको लगता है कि यहाँ का जो गुंडागर्दी या फिर जो ग्रुप है उसका संबंध अंबिकापुर में बाबा से जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं किसी की व्यक्तिगत नाम पर चर्चा करना कभी पसंद नहीं करता। मैंने पहले ही कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराध नहीं बढ़ सकता। 2023 में जब चुनाव प्रचार में आप निकले तो आपसे हमारी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि जैसे मैं अगर मैं जीत कर इस बार आता हूँ तो एक महीने के भीतर जो अपराध का ग्राफ है उसको मैं नीचे ले आऊँगा। आज राजनीतिक प्राप्त एक संरक्षण का उदाहरण बता दीजिए आप बिलासपुर में, लेकिन उसके बाद भी चोरियाँ, उसके बाद भी कहना चाहिए कि भाई अपराध, लेकिन ऐसा कोई अपराध नहीं है जिस पर कार्रवाई न हुई हो। बिलासपुर की जनता को एम्स की सुविधा कब से मिलने शुरू हो जाएगी? इस मामले में मेरा बहुत स्पष्ट नज़रिया है कि कोई भी बड़ी चीज़ को अगर हम इशू बनाते हैं कब तक मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, और ये जो नाटक नौटंकी है राजनीति, इससे कभी कभी शहर का विकास नहीं होता। जी, अभी आपके सामने में चुनौतियाँ क्या क्या है बिलासपुर की जो भी स्थिति है? देखिए, चुनौतियाँ का स्वरूप बदलते रहता है। पहले कभी सड़क बिजली पानी की चुनौती हुआ करती थी, फिर कभी शहर सौंदर्यीकरण की होती थी, सब है शहर में। लेकिन ये विगत 5 सालों में जिस प्रकार की सरकार चली, अवैध प्लाटिंग के माध्यम से शहर को बदसूरत किया गया। लेकिन जब बात मंत्रिमंडल की करते हैं सर, तो इस बार आधे ज़्यादा चेहरा नए हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव एक नेतृत्व तैयार करने पर विश्वास रखती है, इसलिए कभी भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का संकट नहीं आया। जैसे सर मैं आपसे पूछूं, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ राज करेंगी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लगातार अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास करें उनके जीवन के संघर्ष और सफर के बारे में, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा संबंध है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमर अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जी। छत्तीसगढ़ में जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो ऐसा कौन होगा जो आपके बारे में जानते होंगे, लेकिन उसके बाद भी सर हम जानना चाहते हैं कि कौन है अमर अग्रवाल जी, कैसे राजनीति में आए, शिक्षा दीक्षा कहाँ से कितना रही, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। देखिए, मेरा जन्म रायगढ़ जिले के खरसिया में हुआ है। 22 सितंबर 1963 मेरी जन्मतिथि है। मेरी शिक्षा हाई स्कूल तक, उस जमाने में हायर सेकेंडरी नहीं होता था, खरसिया में हुई। उसके बाद मैंने BCom प्रथम दुर्गा कॉलेज रायपुर से किया और उसके बाद द्वितीय और तृतीय जो अंतिम है BCom, वो मैंने CMD कॉलेज बिलासपुर से किया। राजनीति में आपका आगमन कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ तक मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार से रही है। 1952 में जब अखिल भारतीय जनसंघ बना तो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्रद्धेय लक्ष्मीराम अग्रवाल जी पहले RSS में थे 1948 से, फिर जब अखिल भारतीय जनसंघ बना तो वो आ गए जनसंघ में, जो एक राजनीतिक दल था। अब शुरू से, क्योंकि मेरा जन्म 63 में है, तो शुरू से मेरे घर में तमाम, उस समय अखिल भारतीय जनसंघ या आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी कह लें, नेताओं का आना जाना रहा, कार्यकर्ताओं का आना जाना रहा। तो एक बचपन से एक राजनीतिक परिवार में होने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में स्वाभाविक रुचि है। लेकिन मेरी जो सक्रिय राजनीतिक है, क्योंकि राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा था, लेकिन मैंने 28 साल की उम्र तक, लगभग समझ लें हम 92 तक मैं पहले बालपन,
फिर व्यवसाय में। लेकिन 1990 में जब मेरे पिताश्री मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, उस समय मैं उनके साथ रहने लग गया। और जब साथ रहने लग गया, स्वाभाविक है 24 घंटे वही माहौल। लेकिन मुझे प्रेरित किया कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि भई लखीराम जी रिटायर हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे परिवार से भी कोई रहे, तुम राजनीति में क्यों नहीं आते। फिर मुझे 1996 में भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम प्रारंभ किया। 1998 में पार्टी ने टिकट दिया, फिर मैं यहाँ से विधायक बना। तो अगर वास्तविक में अगर मेरी स्वतंत्र राजनीतिक कहेंगे पद के साथ, तो 1996 से प्रारंभ होती है जी। जहाँ तक हमें जानकारी है, आप एक सफल व्यापारी भी रहे हैं, तो व्यापार करते करते आप राजनीति में भी सक्रिय रहे, तो क्या एक व्यापार, जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ लगातार नेताओं का आना जाना लगा रहा है, आप पिताजी के साथ में लगातार घूमते रहे हैं, तो ये भी एक आपके फैक्टर है, आपके मन में आया कि नहीं मुझे राजनीति में जाना है, साथ साथ व्यापार को भी आगे बढ़ाना है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मैं 1996 तक मैंने व्यवसाय देखा, फिर मैंने कहा कि राजनीति में रुचि भी होने के कारण और प्रेरणा के कारण कुशाभाऊ ठाकरे के, मैं सक्रिय राजनीति में आया। लेकिन जिस दिन मैंने सक्रिय, मुझे दायित्व मिला सीधा भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बिलासपुर का, उस दिन से मैंने व्यवसाय देखना छोड़ दिया। और आज भी मैं कोई व्यवसाय नहीं देखता, मैं पूरी तरह से जनसेवा और राजनीति के माध्यम से, वही मेरा अब लक्ष्य है जी। आप जैसे बोले कि जो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, आपके पिताजी जब रिटायरमेंट के समय आए थे राजनीति से, आपको बोला कि आपके परिवार से एक और आना चाहिए राजनीति में, तो क्या पिताजी की जो परंपरा रही है जनसेवा की, उसको आप आगे बढ़ाए, तो अभी जहाँ आप हैं, तो अभी अपने आप को जब देखते हैं तो संतुष्ट होते हैं कि हाँ अभी मैं वो काम कर रहा हूँ? मैं जहाँ तक मानता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में आया, पार्टी ने बहुत अवसर दिया, बिलासपुर की जनता ने अवसर दिया, 5वीं बार विधायक हूँ और 15 साल इस प्रदेश के मंत्री के रूप में काम करने के अवसर मिला, और मैं विधायक तो मध्य प्रदेश में ही बन गया था। मैं ऐसा मानता हूँ कि जनसेवा में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और एक कहावत भी है कि असंतुष्ट ब्राह्मण और संतुष्ट राजा, राजा मतलब राजनीतिक क्षेत्र, मैं कोई अपने आप को राजा नहीं कह रहा हूँ, उसको कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि संतुष्टि तो कभी जनसेवा के माध्यम से कभी होना भी नहीं चाहिए, और बेहतर कैसे करें ये हमेशा ध्यान की बात नहीं करेंगे। जब आपकी पहली चुनाव हुई थी 1998 में, उस समय आपका अनुभव कैसा था? नहीं देखिए, स्वाभाविक रूप से मैं उस समय 36 साल की उम्र में विधायक बना और 41 साल की उम्र में मंत्री बनने का अवसर मिला, तो स्वाभाविक रूप से पहला चुनाव, क्योंकि बिलासपुर मेरे लिए नया क्षेत्र था और युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते मैंने युवाओं की टीम जरूर बना ली थी, लेकिन उस समय कांग्रेस के जो बागी लड़े, कांग्रेस का बोर्ड डिवाइड हुआ, तो एक कारण ये भी मान सकते हैं कि भाई उसका लाभ मुझे मिला। लेकिन उसके बाद जो भी चुनाव हुए, 5 साल में जो विधायक के रूप में मैंने अपना कहना चाहिए स्वतंत्र जनसंपर्क चालू किया या जनता से जुड़ा, उसके बाद समझ लीजिए कि मैं फिर अपने कारणों से बिलासपुर की जनता के आशीर्वाद से विधायक बनता रहा। और जहाँ तक सवाल है, वो बड़ा सुखद क्षण होता है जब संघर्ष करते हुए कोई पद की प्राप्ति होती है जी। 1998 में पहली बार आप जीत कर आए, 3 में आपको मंत्री पद दिया गया, तो जो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, उसी को देखते हुए आपको मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई? देखिए, जहाँ तक है, मैं मध्य प्रदेश में विधायक बना और शुरू से एक पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार से रही, और 90 को मैंने सत्ता को ऐसे बहुत नज़दीक देखा था, क्योंकि 90 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब बाबूजी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं साथ रहता था, तो मैं लगातार सुनते रहता था, मंत्री आते रहते थे, CM के साथ रहता था, आदरणीय पटवा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो वो अनुभव मेरे काम आया। और क्योंकि छत्तीसगढ़ नया था 2003 में, तो मुझे पहला ही दायित्व वित्त मंत्री और नगरीय प्रशासन का मिला। तो पहले कार्यकाल में जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, तो उस समय हालात, क्योंकि छत्तीसगढ़ नया नया गठन हुआ था, आपके सामने चुनौतियाँ क्या क्या थी? और बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि तो ही 3 ही साल छत्तीसगढ़ बने हुआ था और
जब मैंने वित्त मंत्री के रूप में प्रारंभ किया, क्योंकि वित्त मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उस समय लगभग लगभग 6,500 करोड़ का बजट था। बाद में 3 साल में रहा, बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो विभाग रहा, तो 4 फिगर से 5वीं फिगर मेरे समय में ही हो गया था। और मैंने उस समय कहा भी था विधानसभा में कि 4 फिगर से छत्तीसगढ़ का बजट 5 फिगर में मैं पहुंचा रहा हूं, छठवां फिगर को कितने साल लगेंगे ये मैं नहीं जानता, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। तो चुनौतियां बहुत थी, जैसे शुरू में ही हमने गांव गरीब किसान को फोकस किया, इरिगेशन के लिए सर्वाधिक बजट दिया मध्य प्रदेश के ज़माने से, और 3 में जितने अधूरे प्रोजेक्ट थे भारत सरकार की योजनाएं बंद हो गई, प्रायोरिटी में उसको संपन्न कराया। फिर उसी कार्यकाल में मेरे ये 2 रुपये किलो चावल की योजना बनी, जिससे छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए कि प्लान रुकने का एक महत्वपूर्ण कारण हो रहा है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट भी उसी समय आया। और मुझे प्रसन्नता है कि जब वित्त विभाग में कॉमर्शियल टैक्स था, बाद में मेरे साथ 15 साल रहा, जब मुझे वो कॉमर्शियल टैक्स मिला 1900 करोड़ की रेवेन्यू थी, और जब मैंने छोड़ा 2018 में तो 22,500 करोड़ की रेवेन्यू थी। ये बदलाव आने में आपका जो सरकार थी वो पॉलिसी कितना काम करता है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टेट होते हैं हमेशा नीति और नियत इस पर निर्भर करता है। हम जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, उसकी नीति भी साफ है और नियत भी साफ है। नीति बनाए और नियत साफ न रहे तो सरकारी रेवेन्यू कभी नहीं बढ़ सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, उससे प्रेरणा से हमने जो काम किया और सामूहिक प्रयास मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि जब तक संरक्षण नहीं हो, कुछ अप्रिय निर्णय करने में मंत्रिमंडल का सहयोग न हो, हमारे विधायक साथियों का विश्वास न हो, पार्टी का योगदान नहीं हो, तो सबके योगदान से वो जो 15 साल का सफ़र जो हमने विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में किया, सबका सामूहिक प्रयास है, उसमें एक छोटा सा प्रयास मेरा भी था जी। 3 बार आप मंत्रिमंडल में रहे हैं, 3 बार आपको अलग अलग विभाग दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं, अलग अलग विभाग में रहते हुए कितना काम आपके द्वारा हो पाया, कितने लोगों की सेवा हुई, या फिर इसका कितना लाभ ले पाया जनता है? यहाँ तक सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि अपने कार्यों का मूल्यांकन आदमी को स्वयं नहीं करना चाहिए, जनता को करना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि 3 बार हमारी सरकार बनी, 2003, 2008, 2013 और 18 तक 15 साल हमने सरकार चलाई, तो कुछ कार्य किया होगा हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने। जब तिवारा है, नहीं तो योगी जी तो आप देखिए 3 साल में विदा हुए, भूपेश बघेल जी को देखिए 5 साल में विदा हुए, हम क्यों 3 बार रहे? तो हमारी कार्य पद्धति थी। और मुझे जो भी विभाग मिला, मुझे प्रसन्नता है कि वो विभाग को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। आज स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो संजीवनी रहे, वो मेरे कार्यकाल में हुई, आज जो स्मार्ट कार्ड है 5,000 रुपये का, 50,000 रुपये तक का, वो उस समय मैंने प्रारंभ कराया। इसके साथ ही पहले NRHM हुआ करता था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हमने उसको शहर में भी लागू किया, ये मितानी योजना, मोहल्ला क्लिनिक। आज जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसकी परिकल्पना देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में की गई थी, हमारा मॉडल देख के बाद में नेशनल हेल्थ मिशन के रूप में कन्वर्ट हुआ, उसमें शहर को भी शामिल किया गया, लेकिन उसके पायनियर हम लोग थे। इसी प्रकार से अगर अर्बन की बात करूँ मैं, तो अर्बन में 50 साल 60 साल में कभी सेटअप नहीं था। सेटअप बनाना, रेवेन्यू बढ़ाना, डेवलपमेंट के लिए पैसा देना, एक से एक योजनाएं बनाना, ये दोनों विभाग में मालूम नहीं कितने पुरस्कार हमारी सरकार को मिले। श्रम विभाग रहा मेरे पास, राजस्व विभाग रहा, कॉमर्शियल टैक्स 15 साल पूरा रहा, उद्योग विभाग रहा, IT रहा, कॉटेज इंडस्ट्री रहा, तो ये सारे विभाग में अगर 15 साल का कार्यकाल को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ग्राफ अगर बनाएंगे तो यूं जाता हुआ दिखाई देगा आपको जी। 2018 की बात करते हैं,
आप लगातार यहाँ से प्रत्याशी के रूप में या फिर विधायक रूप में जीतते आ रहे हैं, फिर खड़े हुए हैं, तो 2018 में से क्या समीकरण बदला जब शैलेश पांडे जी ने आपको ओवरटेक कर लिया? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ कि 15 साल की स्वाभाविक एंटी इनकमबेंसी हमारी सरकार की थी, और चूंकि मेरा भी चार कार्यकाल पूरे हो गए थे, एक स्वाभाविक एंटी इनकमबेंसी, क्योंकि पद पे रहते हुए जब बहुत से निर्णय करने पड़ते हैं, किसी के पक्ष में जाते हैं, किसी के विपक्ष में जाते हैं, एक एंटी इनकमबेंसी स्वाभाविक एक लोकतंत्र की में है। और जहाँ तक शैलेश पांडे का सवाल है, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। बिलासपुर की जनता ही उसको एक्सीडेंटल एमएलए के रूप में जानती थी, वो अपने कारणों से नहीं जीता, वो मेरी एंटी इनकमबेंसी के कारण। जी, 2018 में आपके हार का अंतर लगभग 11,000 था और 2023 में आपके जीत का अंतर लगभग 30,000 है, तो क्या इतनी नाराजगी बढ़ गई थी कांग्रेस के समय में शैलेश पांडे जी की? उसी से आकलन कर लीजिए, क्योंकि एक स्वाभाविक है। देखिए, जब चार कार्यकाल मैंने किए, मेरे कार्यकाल को जनता ने देखा एक एंटी इनकमबेंसी के कारण, और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो पहला चुनाव आदमी लड़ता है वो अपने कारणों से नहीं जीतता। मैंने स्वयं स्वीकार किया कि 98 का चुनाव में कांग्रेस में बगावत हुई इसलिए जीता, लेकिन दूसरा तीसरा कार्यकाल जो होता है वो व्यक्ति के ऊपर उसके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होता है। तो जनता ने जो परिवर्तन किया उससे जो निराशाजनक परिणाम मिले, तो जनता को लगा नहीं, वही हमारा विधायक ठीक था, और मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे सर्वाधिक वोटों से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जी, एक और बात निकल कर सामने आई थी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कि 5 साल में जो ग्राफ बढ़ा है अपराधों का बिलासपुर में, वो कितना ज़्यादा है, क्योंकि अब इससे पहले 15 साल तक आप थे वहाँ, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में थी, लेकिन 5 साल में कितनी संरक्षण मिला राजनीतिक रूप से कि अपराध की ग्राफ में इतनी बढ़ोतरी हो गई? नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ, इसके बारे में तो आपको जनता से बात करना चाहिए कि पहले जब मैं 20 साल था उस समय बिलासपुर क्या था, अपराध की स्थिति क्या थी, 5 साल में क्या रहा। देखिए, मेरी बहुत स्पष्ट मान्यता है, अपराध अगर कहीं बढ़ता है तो राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। अगर राजनीतिक संरक्षण न मिले तो मैं ऐसा मानता हूँ अपराध कम होते हैं। देखिए, अपराध निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है, अपराध हो गया, उनको सजा हो गई तो दूसरा आदमी डरता है, अपराध हो गया उसको सजा नहीं मिलती संरक्षण मिलता है तो अपराध बढ़ते हैं। तो मैंने 20 साल में कभी राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया, उसके कारण है कि बिलासपुर शांत रहा, और पिछले बार जो अपराध बढ़े, और जिसको कहना चाहिए, मैं तो उसको अपराध नहीं बोलता, डकैतियाँ बढ़ी, किसी की ज़मीन लूट लेना, किसी के खसरा बदल देना, आधुनिक डकैत, वो वातावरण बिलासपुर में बना और वो बिलासपुर की जनता ने पसंद नहीं किया। बिलासपुर में एक ग्रुप है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, जब उस ग्रुप के संबंध में टीएस बाबा से हमारे इसी कार्यक्रम में चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था, उनसे पूछा गया कि आपका नाम लेकर बिलासपुर में कुछ ऐसे गुंडे हैं जो अपना साख जमा रहे हैं और आपका संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उनका फोटो जगह जगह उनके नाम के साथ, चेहरे के साथ लगा रहता था, क्या आपको लगता है कि यहाँ का जो गुंडागर्दी या फिर जो ग्रुप है उसका संबंध अंबिकापुर में बाबा से जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं किसी की व्यक्तिगत नाम पे चर्चा करना कभी पसंद नहीं करता। मैंने पहले ही कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराध नहीं बढ़ सकता। और जहाँ तक सवाल है कि सारे राजनेताओं को मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि ज़रूरत क्या है अपराधियों के साथ फ़ोटो खिंचवाने की। देखिए, आज सेल्फी का ज़माना है, हम कार्यक्रम में जाते हैं, बहुत से लोग आके सेल्फी भी खींच लेते हैं, बहुत से लोग शादी ब्याह में रहते हैं फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं। मैं फ़ोटो आ गई उसको महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन अपराध करने के बाद जब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित तौर पे बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं एक आदमी को दोषी क्यों कहूँ? मुख्यमंत्री जी हैं वो भी हैं, जो गृह मंत्री रहे वो भी दोषी हैं, और जिन लोगों ने संरक्षण दिया वो भी दोषी हैं। जी, 2023 में जब चुनाव प्रचार में आप निकल रहे थे, तो आपसे हमारी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि जैसे मैं अगर मैं जीत कर इस बार आता हूँ तो 1 महीने के भीतर जो राजनीतिक ग्राफ है, जो अपराध का ग्राफ है उसको मैं नीचे ले आऊँगा। राजनीतिक संरक्षण, आज बताइए आप
एक चीज़ बताइए, तीन घटनाओं का जिक्र करूँगा। मुख्यमंत्री जी यहाँ थे, चाकूबाजी हुई, सरेआम घूमता था वो। एक माता जी, उनका बेटा सुसाइड किया, उसने लगातार गुहार लगाई कि मेरे बच्चे को हत्या के लिए इन्हें आत्महत्या के लिए इन्हें प्रेरित किया। एक कांग्रेस का पदाधिकारी, उसने फांसी लगाई और रिपोर्ट, मतलब उसने लेटर छोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मेरे विधायक बनते जिसने चाकू मारा, डर के मारे सरेंडर कर दिया। उसके बाद दोनों प्रकरण जिनके बारे में मैं हमेशा जिक्र करता था, दोनों में सजा हुई। आज राजनीतिक प्राप्त, एक संरक्षण का उदाहरण बता दीजिए आप बिलासपुर में, लेकिन उसके बाद भी चोरियाँ, उसके बाद भी कहना चाहिए कि भाई अपराध, लेकिन ऐसा कोई अपराध नहीं है जिस पर कार्रवाई न हुई हो। और आज उसके कारण जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराध है उसमें पूरी तरह से समाप्त है। और ये भी जो घटनाएं हो रही हैं, ये ज़रूरत है पुलिस को सख्त होने की, पुलिस की रसूख होने की, और एक भय अपराधियों के मन में होना चाहिए, जनता के मन में ये होना चाहिए कि पुलिस हमारी रक्षक है। वो वातावरण बना है, हम और बेहतर करेंगे। अभी आपने कहा कि पुलिस का बल और अपराधियों के मन में पुलिस के प्रति भय, ये बहुत ज़रूरी है नियम को, कानून को लागू करने के लिए। लेकिन जब बात करते हैं सर्बी के हालात की, वर्तमान में जो पैदा हुई है, चाहे बड़ौदा बाज़ार की बात करें, चाहे कवर्धा की बात करें, तो जनता परेशान है। पार्टी बदल रही है, सत्ता में आ रहे नेता, लेकिन जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही है, इसके ऊपर काम कब होगा? नहीं देखिए, जहाँ तक है दो घटनाएँ निश्चित तौर पर, एक बड़ौदा बाज़ार वाली घटना अपने आप में एक अलग घटना है, और उसमें प्रशासन से चूक हुई, और इसलिए कलेक्टर SP सबको हटाया भी गया, निलंबित भी किया गया, और उसकी जुडिशरी इंक्वायरी के आदेश दे दिए। वैसे ही कवर्धा का अगर आप देखेंगे, SP कलेक्टर को प्रशासन की पूर्वाभास न करने के कारण, लापरवाही के कारण निलंबित किया और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है, और जाँच के जो तथ्य आएंगे हमारी सरकार उसमें सख्ताई के साथ जो अपराधी होगा उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। बड़ौदा बाज़ार हिंसाकांड में देवेंद्र यादव जी जो विधायक हैं अभी जेल के अंदर में, क्या ये BJP की चाल है, साजिश क्या है? भारतीय जनता पार्टी की वो सोच है नहीं, कांग्रेस क्या आरोप लगाती है आप उसमें मत जाइए। वो तो कोई अपराधी कहता है कि मैं अपराधी हूँ? दुनिया में कोई है कि जो अपराध करता हो और ये कहता हो कि मैं अपराधी हूँ? लेकिन जिस ढंग से वहाँ पर वो धरने में गए, जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया, और एक MLA है इसलिए उसको कुछ भी स्वतंत्रता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, तो कार्रवाई हुई है। फिर उसके बाद देखिए, जमानत का आवेदन लगा, कोर्ट ने रिजेक्ट किया, क्योंकि देखिए अगर कहीं राजनीतिक वो होता है तो अल्टीमेटली देखिए कोर्ट में जब केस जाता है तो सरकार उसको फेस नहीं कर पाती। तो एक वर्ग संघर्ष करने की जो कोशिश विधायक के भाषण से हुई, एक्टिविटीज़ से हुई, वो संदेहास्पद है। और फिर तीसरा, पुलिस ने 4 बार नोटिस दिया, आना चाहिए, नहीं आए, पुलिस को जाना पड़ा। और उसके बाद कांग्रेस अगर कहती है कि राजनीतिक कारण से है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। जी, बिलासपुर की जनता को एम्स की सुविधा कब से मिलने शुरू हो जाएगी? मैं इस मामले में मेरा बहुत स्पष्ट नज़रिया है कि कोई भी बड़ी चीज़ को अगर हम इशू बनाते हैं, कब तक मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, और ये जो नाटक नौटंकी है राजनीति, इससे कभी कभी शहर का विकास नहीं होता। विधानसभा में TS बाबा जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव लाया कि बिलासपुर में एम्स होना चाहिए, और उसके बाद बिलासपुर में खूब स्वागत करवाया कि उन्हें एम्स ले आए। 2 साल उनकी सरकार रही, क्या कार्रवाई की कि एम्स आना चाहिए? विधायक यहाँ के घूम घूम के मैं एम्स ले आया, कहाँ है वो एम्स? लेकिन बिलासपुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो मेरे कार्यकाल में जब स्वास्थ्य मंत्री था मैंने स्वीकृत कराया था, और एक रीजनल कैंसर हॉस्पिटल है जिसकी दोनों के मिला के लगभग 225 करोड़ की लागत है, वो बहुत शीघ्र जनता में आ जाएगा। और जहाँ तक एम्स का सवाल है, 27-28 हमारे देश में हैं,
और बिलासपुर इस देश के 100 स्मार्ट शहरों में है, तो आप मान के चलिए एम्स भी यहाँ आएगा, लेकिन समय सीमा, क्योंकि देखिए भारत सरकार की अपनी योजना रहती है, प्लानिंग कमीशन रहता है, लेकिन हमारा प्रयास जारी है और बिलासपुर में एम्स आएगा तो इस अंचल की जनता को न केवल बिलासपुर एक लाभ होगा और उसके लिए हम प्रयासरत हैं जी। अभी आपके सामने में चुनौतियां क्या क्या है बिलासपुर की जो भी स्थिति है? देखिए चुनौतियां का स्वरूप बदलते रहता है। पहले कभी सड़क बिजली पानी की चुनौती हुआ करती थी, फिर कभी शहर सौंदर्यीकरण की होती थी, सब है शहर में। लेकिन ये विगत 5 सालों में जिस प्रकार की सरकार चली, अवैध प्लाटिंग के माध्यम से शहर को बदसूरत किया गया, लोगों की जमीन छीन ली गई, खसरे नंबर बदले गए तो उनको न्याय मिल जाए, अवैध प्लाटिंग बंद हो जाए, और आज अगर मैं इस शहर की 2 या 3 चीज़ें जो चुनौती के रूप में देखता हूँ, सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पार्किंग की और ट्रैफिक की, क्योंकि सब घर पे गाड़ी हो गई, गैरेज किसी के पास है नहीं, सड़क पे खड़ी रहती हैं। तो आज बिलासपुर में इन 3-4 सालों में आधा आधा घंटे का ट्रैफिक जाम होने लग गया, तो उसकी एक मास्टर प्लान बना के उसको दूर करना और भविष्य में ये शहर आगे बढ़े, मैं उसको चुनौती नहीं कहूँगा, योजना के बारे में बिलासपुर एक एजुकेशन हब के रूप में बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा है, तो एक व्यवस्थित एजुकेशन हब कैसे बने। इसके अलावा बिलासपुर टूरिज्म के हिसाब से अब अचानक टाइगर रिजर्व है, हमारा चैतूरगढ़ है, एक अच्छा कॉरिडोर अगर हम देखें राजमेरगढ़ से लेके बूका डैम तक, ये टूरिज्म का एक बहुत छत्तीसगढ़ का माना हुआ कॉरिडोर हो सकता है, इसके लिए काम करना जिससे बिलासपुर की अर्थव्यवस्था में तरक्की हो। तीसरा, बड़े बड़े व्यावसायिक सेंटर, यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, उसको आगे करना। और सबसे बड़ी बात, 200 करोड़ रुपये भारत सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए दिया हुआ है उसकी ज़मीन हमने अलॉट कराई है, वो जल्दी हो जाए जिससे 10,000-12,000 लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। वो सारे अधूरे काम को पूरा करवाना। और जहाँ तक चुनौती का सवाल है, कानून व्यवस्था पूरी अच्छे से करते हुए ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो करना, और एक शहर आगे बढ़ती हुई आबादी के साथ व्यवस्थित बढ़े उसकी प्लानिंग जी। विकास, इसके इसमें 3 शब्द ज़रूर हैं लेकिन इसके 4 पहिये होते हैं, इसके 2 पहिये हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, लेकिन जब दोनों की बात करते हैं तो स्टाफ की कमी को देखकर लगता है कि सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक शिक्षा का है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, युक्तियुक्तकरण करना है, क्योंकि पूरे देश का जो नेशनल एवरेज है वो 26 बच्चों पे एक टीचर का है, हमारे यहाँ 23 का है। बहुत से स्कूल बंद हो गए क्योंकि कुछ निजी में जाने के कारण, कुछ आत्मन में आने के कारण, तो युक्तियुक्त करना है। और स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि 7 साल मैंने ये विभाग चलाया है, मुझे ऐसा लगता है उसको थोड़ा और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, और स्टाफ टेक्निकल जो भी होगा उसका आकलन करके वो पदों की हम सारी पूर्ति करेंगे जी। युक्तियुक्त को लेकर बहुत से शिक्षक और बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। मैंने उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आज तक एक बात समझ में नहीं आया है कि प्रशासनिक मामले में कोई दूसरा कैसे दखलंदाजी कर सकता है। शिक्षक लोगों के हित प्रभावित हों, उनकी अपनी मांगे रहें, वो एक अलग विषय है। क्योंकि कई जगह पोस्ट थे, उनका प्रमोशन इफेक्ट हो रहा था, इसलिए वो विषय आया, उस विषय को करके आगे युक्तियुक्तकरण की के अलावा को दूसरा विकल्प भी नहीं जी। 2018 में कांग्रेस जब चुनाव में आई थी तो उस समय बिजली बिल हाफ और कर्जा माफ, साथ ही साथ 25 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी करके वादा करके आए थे, उस वही सेम इस बार भी 2023 में दोहराया गया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा महातारी बंधन योजना लाया गया, क्या ये सब पर भारी पड़ गया, क्या वो फैक्टर यहाँ भी? देखिए जहाँ तक सवाल है, अगर सोशल सिक्योरिटी डेवलप जो विकासशील देश हैं उनमें एक बहुत बड़ा इशू है, ये योजना चूँकि मध्य प्रदेश में एक प्रारंभ हो गई थी और 1.5 साल
उसका लाभ मिला था और उसको हमने यहाँ पर अपना कमिटमेंट किया था। आगे इस योजना को और बेहतर हम कैसे बनाएं, लाभ मिला राजनीतिक रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको आगे हम और कैसे बेहतर बनाएं कि उनके स्व सहायता समूह बना दें, उनको लोन ज़्यादा दिला दें और 1000 को EMI में परिवर्तित कर दें, तो लेकिन वो उनकी सबकी सहमति से, तो उनके पास जो पैसा आया है उसका लाभ और अच्छे से कैसे मिले जिससे रोजगार के अवसर बढ़े, आगे सेकेंड फेज में हम उसमें भी जाएंगे। आपने बहुत बड़ी बात की सर कि जो 1000 रुपये दे रहे हैं उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करके उनको ज़्यादा लाभ दिला सकते हैं। ठीक है, एक बात और है सर, जब हम लोग बात करते हैं जीत के फैक्टर की, तो क्या कांग्रेस के हार का फैक्टर का एक कारण ये भी रहा जो वादे उन लोग करके आए थे, फिर जो नहीं देखिए मैं वो तो देखिए बहुत विस्तृत कहना चाहिए कि चर्चा का विषय है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ की तासीर को समझेंगे या छत्तीसगढ़ के लोगों की मानसिकता को जानने की कोशिश करेंगे, देखिए 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना, योगी जी पहले मुख्यमंत्री रहे, बाकी विषय अपनी जगह हैं, लेकिन एरोगेंसी के हिसाब से सरकार का चलाना, और जब एरोगेंसी ऊपर लेवल पे होती है तो भ्रष्टाचार नीचे ज़्यादा पनपता है। आप देखिए पहला कारण था करप्शन और एरोगेंसी। 15 साल हमारी सरकार रही, हमने एक जनसेवा के माध्यम से चलाया, 15 साल हमने कंटिन्यू किया। भूपेश बघेल की भी अगर आप गहराई में जाएंगे तो एरोगेंसी और करप्शन ये दो बड़े मुद्दे हैं, बाकी तो अनेकों मुद्दे रहते हैं एंटी इनकम्बेंसी के। तो एक बात बहुत स्पष्ट, छत्तीसगढ़ के चुनाव का आकलन करेंगे बहुत सीधा संदेश है कि छत्तीसगढ़ की जनता एरोगेंसी के साथ जनप्रतिनिधि को पसंद नहीं करती, नंबर एक एरोगेंसी के कारण, फिर नीचे भ्रष्टाचार होता है, ये दोनों बात को छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करती। बहुत अगर आप अध्ययन करेंगे तो भूपेश बघेल की हार का मूल कारण वही था। भूपेश बघेल जी का कहना है कि हमारे हार का मूल कारण BJP और सेंट्रल जो एजेंसी हैं वो हैं। नहीं, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, सेंट्रल एजेंसी ने कार्रवाई क्यों की? क्योंकि आप एक चीज़ बताइए, कोई जनता उनके साथ खड़ी हुई क्या? अगर हम सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट है, एजेंसी अगर उसका मिसयूज करती, एजेंसी अगर राजनीतिक प्रेरणा से काम करती, तो क्या आप सस्ते भारत की जनता पसंद करती है? आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने पावर का मिसयूज किया, प्रधानमंत्री तक देश में पहली बार चुनाव हार गए। ये भारत का लोकतंत्र है। 89 के चुनाव आप देखिए, एक बोफोर्स कांड संदेह के दायरे पे आया, सत्ता परिवर्तन हो गया। भारत की जनता कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। अगर भूपेश बघेल जो कह रहे हैं हमने दुरुपयोग किया रहता, हम कभी सत्ता में नहीं आते। जनता ने माना कि एजेंसी ने इनका भ्रष्टाचार उजागर किया है और इसलिए उनके प्रति हार का कारण बना। तो ये बात तो सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कार्रवाई की, जनता ने माना कि सही किया है, तो उनको भ्रष्टाचार करना ही क्यों था? वो भी राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय तक काम कर रहे हैं, एजेंसी आती नहीं अगर भ्रष्टाचार नहीं करते। भ्रष्टाचार करोगे, शासकीय खजाने में डकैती डालोगे, शासकीय खजाने को लुटाओगे, तो एजेंसी क्या करेगी? इनको सर्टिफिकेट बांटेगी आके? जी, 2023 का चुनाव BJP के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाई है, लेकिन जब बात मंत्रिमंडल की करते हैं सर, तो इस बार आधे ज़्यादा चेहरा नए हैं। नहीं देखिए, जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आप देखिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सदैव एक नेतृत्व तैयार करने पे विश्वास रखती है, इसलिए कभी भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का संकट नहीं आया। देखिए पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे, फिर दीनदयाल जी ने देखा, फिर अटल जी अडवाणी जी के युग ने देखा, बाद में वर्तमान में आज मोदी जी का हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ एक सतत प्रक्रिया है ये, तो स्वाभाविक रूप से देखिए जब आप नए नेतृत्व को सामने नहीं लाओगे तो कोई भी पार्टी में एक नेतृत्वहीन हो जाता है।
आज भारत की राजनीति का आप विश्लेषण करोगे तो नेतृत्व क्षमता का या तो परिवार में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए केवल एक भारतीय जनता पार्टी है जो नए नेतृत्व हमेशा चलते रहता है, तो स्वाभाविक रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने के छत्तीसगढ़ में भी इस सोच के साथ मंत्री बने हैं जी। अगर अमर अग्रवाल जी राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या उनकी रुचि क्या थी, अभी क्या करते रहे? नहीं देखिए ये काल्पनिक प्रश्न है और मैं दूसरी बात कहता हूँ इसके मामले में। देखिए मैं तो व्यवसाय के क्षेत्र से राजनीति में आया एक जनसेवा के माध्यम से। आम तौर पे आप महसूस करेंगे जितने राजनेता हैं वो राजनीतिक से व्यवसाय में जाते हैं, पहले अपने लड़के के नाम से करें, अपने परिवार के नाम से करें, अपने रिश्तेदार के नाम से करें, उनका अंतिम लक्ष्य होता है बिजनेस करना, पैसा कमाना। और मैंने तो अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य जनसेवा को राजनीति को माना, तो ये प्रश्न कि नहीं होते तो क्या करते, मैं तो आया जानबूझ के हूँ, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है इस क्षेत्र में। हाँ ये ज़रूर है कि मैं कृतज्ञता है मुझे मेरी पार्टी के ऊपर कि उसने मुझे अवसर दिया, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ बिलासपुर की जनता का कि मुझे 5 बार अवसर मिला, आज़ादी के बाद किसी को नहीं मिला, वो मेरा सौभाग्य है कि जनता ने मुझे पसंद किया, नकारा नहीं, और आगे भी जब तक मेरा जीवन है सक्रियता से कहें या जिस रूप में भी कहें जनसेवा ही मेरा लक्ष्य है जी। जैसे सर मैं आपसे पूछूं आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? नहीं देखिए जहाँ तक सवाल है मैंने जिस परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा है 1952 में जब जनसंघ बना पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहा करते थे, हालांकि मेरे को सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ पिताजी के, हम नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी, एक संकल्प के साथ विचार के साथ राजनीतिक परिवार में आए। और मैं भी राजनीतिक में आया उन नेताओं के संपर्क के कारण। मुझे जब पहली बार टिकट मिली 1998 में कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनसे मिलने गया था क्योंकि मैं तो उनकी गोद में खेला था, मैं उनको नेता कम अभिभावक ज़्यादा मानता था। तो मेरे से एक ही बात बोले थे, बोले देखो अमर तुमको टिकट मिल गई, सबसे पहले तो जो सीनियर लोग हैं उनसे जाके मिल लेना और ये ना लगे कि तुम विजेता हो, टिकट तुमको मिल गई। और दूसरा एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जीवन में कार्यकर्ता बन के ही काम करना, पद तो अस्थाई है। तो जहाँ तक मेरा अंतिम लक्ष्य है कि पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँ जी। सर बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, जाते जाते चूँकि सर ये कार्यक्रम खास तौर पे छात्रों के लिए है तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? नहीं देखिए जहाँ तक है मैं सारे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो छात्र हैं वही देश का भविष्य है, वही प्रदेश का भविष्य है। एक मेरा निवेदन है कि मैंने छत्तीसगढ़ का जो कॉलेज का एनरोलमेंट है आज 22 से 23% है, सब लोग आखिरी तक पढ़ें, ड्रॉप आउट ना हो, नंबर एक। दूसरा सकारात्मक रूप से काम करते हुए, क्योंकि आज सरकार की इतनी योजनाएं हैं, सोचें क्योंकि युवा अवस्था जो होती है वो दूसरी तरफ नकारात्मक तरफ ना जाए, तो आप सकारात्मक रूप से चलें, एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है क्योंकि आज जितनी भी नीतियाँ बन रही हैं विकसित भारत के मोदी जी के नेतृत्व में उन्हीं के लिए बन रही हैं और आगे उन्हीं को नेतृत्व करना है। तो देश को समझें, प्रदेश को समझें, परिवार को समझते हुए एक अच्छे युवा के रूप में आप देश को कैसे आगे बढ़ाएं इसके बारे में ज़रूर अध्ययन करें और उस दिशा में सोचें। तो आप सुन रहे थे अमर अग्रवाल जी को, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।